बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे और मैं अपने देसी किचन पंजाब में आप लोगों के लिए आज रेसिपी लाई हूँ। आज बनाने जा रहे हैं हम आलू का पुलाव। आलू का पुलाव हम बनाएंगे आज, और जिसके लिए मैंने हाफ कप घी लिया और एक अदद प्याज मैंने इसके अंदर ब्राउन कर लिया है। तकरीबन मैंने डेढ़ गिलास मैंने चावल ले लिए, उनको मैंने पानी पानी में भिगो के रख दिया, अच्छी तरह धोया, पहले धो के उनको पानी में डाल दिया। और अब प्याज हमारा ये ब्राउन हो चुका है, इसमें मैं अब पहले सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। दो सेकंड इसको इसके अंदर मिक्स करूँगी। उसके अलावा मैंने ये 3 चम्मच दही लिए, थोड़ा सा इसमें पानी डाला है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्च लिया है 1 टीस्पून, और नमक लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, 2 अदद ये लौंगी ली हैं छोटी, और 2 दालचीनी के पीस लिए हैं। उसके अलावा मैंने ये लिया है ज़ीरा और खुश्क धनिया का पाउडर है, ये मैंने लिया है तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये लहसुन को एक मैंने इसमें पका लिया, और अब ये मैंने जो दही रखी है ये मैं डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दूँगी। पानी लेंगे थोड़ा सा ताकि मसाले हम बर्तन के साथ जो भी लगा मसाला है वो उतार सकें, तब कुछ ही ज़ाया न जाए। ये हो गए जी मसाले हमारे। उसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 2 अदद मैंने लेमन लिए हैं, जिनका जूस इसके अंदर मैं डालूंगी। दो अदर लेमन का जूस हमने डाल दिया इसके अंदर, और लेमन भी एक ने लेमन भी इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद मैंने आलू लिए हैं, ये मैंने बड़े बड़े 2 आलू ले लिए हैं बड़े साइज़ के, उनको मैंने कटिंग कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में मैंने इनको काट लिया है। मसाला तैयार होता है तो हम इसमें आलू को सबसे पहले डालेंगे। हरी मिर्च ली है मैंने, ये बड़ी बड़ी 3 अदद हरी मिर्च ले ली है मैंने, इनको अंदर से काट लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मसाला हमारा तैयार हो रहा है, अभी इसमें थोड़ा टाइम बाकी है, साथ ही हम इसके आलू भी डाल देंगे। मसाले के साथ साथ मसाला भुनेंगे तो ये भी साफ हो जाएंगे। इस तरह आपको बहुत जल्दी पका सकेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। आलू भी अंदर डाल दिए, अब इन दोनों चीज़ों को हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। मैंने इसको भून लिया, अब इसमें मैं पानी डालूँगी। इसमें ये स्टील का एक गिलास है, ये मैंने 1.5 गिलास लिया है चावलों का, और 3 गिलास पानी डालूंगी। 3 गिलास पानी डाल लिया, और अब इसको अब मैं थोड़ी देर ढाँक दूंगी, तब तक मैं चावलों से पानी निकाल देती हूँ, ये बॉयल हो ले। पानी बॉयल हो चुका है, चावलों से पानी हमने निकाल दिया है, और अब सारे चावल इसके अंदर डाल दूँगी। पानी के अंदर से सारे चावल निकाल दिए, अब
फैलाएंगे। अब यहाँ आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, नमक इसमें पूरा या कम। थोड़ा सा इसे पकाएंगे। पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इनको दम पे कर देंगे। इस तरीके से टमाटर इसके अंदर रखेंगे और हरी मिर्च कुछ पीस हरी मिर्च पे रखेंगे। और आप हम इसे दम पे कर देंगे। अब हम इसका उठाते हैं ढक्कन। वाह बहुत ज़बरदस्त, पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। टमाटर और देखिए हरी मिर्च किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, हमारा ये पोटैटो पुलाव, आलू का पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको पसंद आएगा। आप तो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये आपकी तरफ से दिया हुआ इनाम है। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका, मेरा और हम सबका। अल्लाह ने भी